स्टोन के ट्रीटमेंट में दो बातें बहुत बेसिक है जिसको जरूर ध्यान से समझिएगा। 5 mm से छोटी स्टोन है, आप कोई भी ट्रीटमेंट करवाइए, कहीं कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन दर्द होता है तो डॉक्टर के पास दिखा लीजिए, बर्बेरिस से लेकर हाइड्रेंजिया जो भी दवा खाने खा लीजिए, अभी आप सेफ हैं। 5 mm से बड़ी पथरी में बहुत केयरफुल तरीके से इलाज होना चाहिए, क्योंकि बर्बेरिस, हाइड्रेंजिया और ढेर सारी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो सिम्टोमेटिकली आपको आराम दे देंगी, दर्द आपकी कम कर देंगी। मरीज कन्फ्यूजन में कि पथरी निकलने के बाद दर्द कम हुआ है या फिर सिम्टोमेटिक आराम मिला है। यदि सिम्टोमेटिक आराम मिला होगा तो धीरे धीरे वो किडनी को डैमेज करती है, GFR को रिड्यूस करती है और आदमी लास्ट में CKD का मरीज बन जाता है। बाय द वे, आज की टेस्टिमनी जो है शुभांग बाबू को लेके हैं, जो मेरे पास आए थे बड़ी बड़ी स्टोन लेके, जो वेरी फर्स्ट रिपोर्ट थी इनकी शुभांग, इसमें हमें तस्वीर ठीक है भाई इनके पास जो अच्छा अल्ट्रासाउंड एक MD रेडियो से हम हमेशा इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि जानना ही जरूरी है। कई बार गैसियस बॉबल लूप की वजह से पीछे की चीज़ें नहीं दिख पाती हैं और रेडियोलॉजिस्ट के पास इतना टाइम होता नहीं कि दूसरे को दोबारा बुलाएगा। शुभांग जब मेरे पास आए थे तो ढेर सारी उनकी रिपोर्ट पिछली वाली बहुत पुरानी थी और उनके पास ढेर सारी स्टोन थी। और जब शुभांग ने हमारी कितने दिन दवा ली बेटा जिसके पास से ये स्टोन निकली थी? कई 50 दिन। 50 दिन की दवाइयों के बाद से ढेर सारी ढेर सारे खजाने लाए भाई हमारे पास। ठीक है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो इसकी जो डायमीटर होनी चाहिए ये करीब होनी चाहिए 7 mm के पास, 6 से 7। ये भी 6 से 7 होगी, ये भी करीब 5 से 6 के आसपास होगी। ये 4 mm के स्टोन्स होंगी, ये भी 4 mm की और ये भी 4 mm। देख रहे हैं कितनी कड़ी है, ये 2-2 और 3-3 mm की स्टोन होंगी, ये 3 mm की होगी, 2 mm की दो। ये 40-50 डेज के ट्रीटमेंट के बाद से इतनी ढेर सारी स्टोन निकली। ठीक है, फिर ये होता है कि क्या सब में निकलेंगी? इसमें सुहांग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, हम कितनी भी अच्छी दवा देते कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टोन टूटेगी फिर वहीं रह जाएगी। तो इनको मैंने बोला था 0.5 लीटर पानी 1 घंटे को लेने के लिए, स्टोन टूटी, यूरिन का फ्लो मेंटेन हुआ, निकल के बाहर हो, कोई दर्द नहीं हुआ। दर्द हुआ था बेटा बीच में थोड़ी देर के लिए जी, वो दर्द जब हुआ था जब आपने बोला था कि कोई पेन किलर लेने के लिए, और वो दिन दर्द कितनी देर के लिए रहा था? मुश्किल से 1-2 घंटे हुए। 1-2 घंटे, यानी कि जब भी किडनी स्टोन यूरिन के फ्लो के रास्ते में यानी यूरेटर में आती है जहाँ से यूरिन का ऑब्स्ट्रक्शन होता है वहाँ सिम्टोमेटिकली आपको प्रेजेंट करेगी। पेन जो चुभने जैसा महसूस होगा, कभी कभी जलन जैसा महसूस होगा, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगी तो नॉजिया टाइप की फीलिंग होगी, उल्टी जैसी, और उसके बाद पेट में दर्द होगा जो 2 मॉडलिटी लेके आता है, या फिर आदमी पेट पकड़ के बैठ जाता है और या फिर दर्द के मारे छटपटाता है, यानी कि वो बेचैन वाला दर्द होता है। खैर, इसमें यदि नॉमिनल कभी कभी हम एलोपैथिक दवा भी यूज़ कर लेते हैं जब दूर मरीज होता है और हमारे पास ऑप्शन लिमिटेड होते हैं पेन किलर के तौर पे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ दवाइयों को डायल्यूट करके फ्रीक्वेंट रेपिटेशन पर डाल दूँ और वो यूरेथ्रा और यूरेटर को डायलेट कर देती है जिसमें यूरिन का प्रोसेस क्लियर हो जाता है। जो लोग ये समझते हैं कि विदाउट ऑपरेशन नहीं होगा, उनके लिए बस मेरी ये सजेशन है कि जहाँ से भी आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, जिस भी अच्छे से डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, आप एक एक महीने पर अल्ट्रासाउंड करवा कर चलिए, आप ब्लाइंडली मत चलिए। इनकी स्टोरी इसलिए टूट के निकली क्योंकि इसकी अचीव इंडेक्स बहुत कम थी, कितनी थी बेटा? 400 अचीव इंडेक्स थी, इसीलिए स्टोन टूट के आराम से निकल गई। जहाँ 1000 के आसपास रहते हैं उसको सीधे निकालना पड़ता है, यानी कि वहाँ अप्रोच चेंज हो जाता है, यानी कि पहले डिजॉल्व करने वाली मेडिसिन दी जाती है जो किनारे को रगड़ खाने से बचाएं, उसको स्मूथ करें, और जब हॉरिजॉन्टल पोजिशन में खास करके कॉनिकल स्टोन आती है तो बहुत ईजी लोग तरीके से निकल जाती है। लेकिन यदि कोई स्टोन रेक्टेंगुलर हो, यानी कि विड्थ और लेंथ लगभग इक्वल हो, ऐसे केसेस में बहुत सावधानी से काम करना चाहिए, नहीं तो वो आके यूरेटर में फंस जाती है, केस सर्जिकल हो जाता है, दवा करने का कोई मतलब नहीं, ऑपरेशन के लिए भेजना पड़ता है। ओवरऑल इनके केस में ये सारी स्टोन निकलने के बावजूद भी सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि स्टोन बन रही है पीछे से। अब इनका सबसे बड़ा सवाल है कि सर स्टोन तो चलिए आप बिना सर्जरी के निकल भी जाएगी, आगे क्या किया जाएगा? आगे के लिए मैंने इनको क्या प्रिकॉशन बताया था, नमक की मात्रा होने पर कम करवा दी, एक टाइम इनका नमक मैंने बंद करवा दिया है, ये केवल दिन में हल्के नमक के साथ रहते हैं। दूसरे नंबर पर प्रोटीन की इंटेक हमने काफ़ी कम करवा ली, पतली दाल अलाउ किया, बाकी सब बंद करवा दिया है। यदि ये प्रिकॉशन आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि बिना इसके तो नहीं बनने वाली है, खास करके हम जब 10+ mm की बात करते हैं। जो मल्टीपल स्टोन निकली इसके बावजूद भी अब जो रिपोर्ट है वो एक MD रेडियो के, जिसमें राइट किडनी में 15 mm का स्टोन अभी भी परसिस्ट करा इतना सब निकलने के बाद, और लेफ्ट किडनी में 4.6 mm का स्टोन न्यू बना है। यहाँ समझिएगा, यानी कि लिथलिंग डायस्टेसिस एक्टिवेटेड है, यदि हम प्रिकॉशंस के साथ नहीं चलेंगे तो ये डैम श्योर है कि हम निकालते रहेंगे पीछे बनता रहेगा, हम निकालते रहेंगे पीछे बनता रहेगा। 2-3 एक्स्ट्रा दवाइयाँ यूज होती हैं जो लिथलिंग डायस्टेसिस को काफ़ी हद तक मिनिमाइज करती है।
उसमें ये भी ध्यान देना पड़ता है कि स्टोन कहीं यूरिक एसिड का तो नहीं है, तो समय समय पर यूरिक एसिड का जांच करवाना पड़ता है, एक बार पैरा हार्मोन का भी जांच करवाना पड़ेगा। और इन स्टोन्स को हम एनालिसिस के लिए देंगे, क्योंकि ये ऑक्सीलेट की ही बनी है, ये भी कन्फर्म करना जरूरी है। ये ऑक्सीलेट की बनी है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक यूरिक एसिड या बाकी की बनी है तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगली मशीन का सिलेक्शन। बाय द वे, यदि आपको स्टोन है तो अपने आसपास किसी अच्छे डॉक्टर को ही खोजिए। पहली बार ब्लाइंडली अपने से दवा ना खाइए, क्योंकि किडनी को डैमेज होने के बाद जिंदगी भर सीकेडी का इलाज आप नहीं करवा पाएंगे, मुश्किल काम है। यदि नहीं निकल रही है तो ऑपरेट भी करवा लीजिए, लेकिन आप उसको उस कंडीशन में ना छोड़ें, क्योंकि यदि किडनी खराब हुई तो थ्रू ऑल द लाइफ आप सफर करने वाला है। वीडियो अच्छा लगा तो बाकी लोगों को शेयर करिएगा। किडनी स्टोन सॉल्व होती है, 15 दिन तक की किडनी स्टोन निकलती है, बशर्ते इलाज का अप्रोच अच्छा रखा जाए, प्रिकॉशंस को फॉलो किया जाए और रूटीन में दवा खाई जाए, यानी कि पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी के साथ। यदि ये चीज़ें हैं तो स्टोन के केस में सक्सेस मिलती है, नहीं है तो धीरे धीरे कई बार कम भी होता है, ज़्यादा होता है, कम ज़्यादा होता है तो केस सर्जिकल हो जाता है। अप्रोच हमेशा सही होनी चाहिए, तरीका हमेशा सही होना चाहिए, मरीज का डेडिकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम उनको कितनी भी अच्छी दवा दे दें यदि प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करेंगे तो नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अतुल कुमार से, राम नाम के से।